नमस्कार, आज भाग्य कार्यक्रम को मुझे धीरेन कुमार आपन को स्वागत करुच्ची। आसतु जाणी बारटे राशि राशिफल और यार प्रतिकार विषय आज जानुरी 24 तारीख 2019 मसीहा माघ मास कृष्णपक्ष चतुर्थी तिथि सिंह राशि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र गुरुवार। आसतु बारटे राशि राशिफल और यार प्रतिकार विषय जाणी। मेष राशि कर्मक्षेत्र वृद्धि, आर्थिक स्थिति रे उन्नति, रक्तर संपर्क मानक द्वारा अबुझामणा परिस्थिति सृष्टि होगा फल मानसिक स्तर में चापग्रस्त रहिबे एवं खर्चांत जोग रही कहारी ना कहारी स्वास्थ्यगत समस्या को नहीं आपण मानसिक स्तर में अशांति बा भय सृष्टि हेबो। माँ बगलामुखी दर्शन करंतु। लाल रंगर वस्त्र कौन सी देवी मंदिर रे आपण प्रदान करी आशीर्वाद नियंतु। वृष राशि व्यक्ति मानक आर्थिक स्थिति रे उन्नति, नुआ नुआ कर्मर सुजोग मान सृष्टि हेबो, कर्म क्षेत्र रे पदोन्नति, उपरिष्ठ कर्मचारी द्वारा प्रशंसित, राजनैतिक रे सफलता, स्वास्थ्य भल रहिबो। अंध व्यक्ति मानक खाइबाक दिंतु, महामृत्युंजय मंत्र जप करंतु। मिथुन राशि व्यक्ति मानक आर्थिक स्थिति रे उन्नति, कर्म क्षेत्र विस्तारित, किंतु शत्रु मानकर वृद्धि हेतु आपण चापग्रस्त रहिबे, अशांति बोध करिबे, निजर कथाबार्ता द्वारा आपण आर्थिक अपव्यय बा अपात्र रे दान परि जोग सृष्टि होउची, पारिवारिक सुख शांति ठीक ठाक रहिबो। राहुंकर बीज मंत्र जप करंतु किंबा संकट मोचन हनुमानकर चालीसा पठन करंतु। कर्कट राशि व्यक्ति मानक स्वास्थ्यगत समस्या, मानसिक अशांति, संतान मानकर कार्यकलाप भल रहिले मध्य परिवार रे अन्य मानक सहित मानसिक स्तर रे चिंताधारा रे मतपार्थक्य हेतु अशांति बोध करिवे। कर्म क्षेत्र विस्तारित हेले मध्य खाली पैसा गुड़िक माड़ी होई होई चलिबो, अजथा ऋणग्रस्त हेबे। राहुंकर बीज मंत्र जप करंतु। पागल व्यक्ति मानक भोजन पेट पूरा भोजन दिंतु, अजथा अपव्यय दूर स्थान को यात्रा करी अन्य मानक द्वारा समालोचित हेबे एवं बुझी विचारी अचानक निष्पत्ति नेबा फल अन्य मानक द्वारा समालोचित पारिवारिक अशांति सृष्टि होउछि। तेणु दिनटि आपण को किछि ना किछि अशुभ फल प्रदान करूथिबारु विष्णु सहस्र नाम जप करंतु। सकाळ उठि सूर्यदेव को प्रणाम करंतु, अर्घ्य दान करंतु। धन लाभ हेले मध्य मानसिक अशांति मध्य गति करिवे, स्वास्थ्यगत समस्या गुड़िक लागिकी रहिबो, निजर परिवार रे वैवाहिक संपर्क को नहीं आपण चिंताग्रस्त रहिबे, अन्य मानक द्वारा समालोचित हेबे। आपण विष्णु सहस्र नाम जप करंतु। छोट छोट पिला मानकु हळदी सबुज रंगर वस्त्र एवं मीठा जातीय द्रव्य प्रदान करंतु। तुला राशि व्यक्ति मानक कर्म क्षेत्र यथेष्ट भल रम क्षेत्र बढ़ी बढ़ी चलो, आर्थिक स्थिति उन्नति घटव, शत्रु मैंने आपण को मित्र पी व्यवहार करेंगे, शत्रु मानक आप लाभ पाइबे, शत्रुनाश हो। आप महामृत्युंजय मंत्र जप करंतु, कमलांकर बीज मंत्र जप करंतु। बिछा राशि व्यक्ति मानक शिक्षा, लेखालेखी, गवेषणा ये सब दिग्वि सफलता अर्जन कले परिवार का सुख कम रही, अन्य मानक द्वारा समालोचित हेबे, अन्य मानक परामर्श दे खुशी अनुभव करिवे, स्वास्थ्य भल रहिबो। शनि बीज मंत्र जप करंतु किंबा माँ दक्षिण काली बीज मंत्र जप करंतु। धनु राशि व्यक्ति मानक आज दिन रे चापग्रस्त हो रहिबे, स्वास्थ्यगत समस्या, अन्य मानक सहायता करी ऋण बोझ मुंडाइबा, प्रतिश्रुति को रक्षा करने को जाई ऋणग्रस्त होगा, यह सब जोग रोथवर मानसिक अशांति मध्य गति करेंगे। यह सब सत्वे आपण संतान मानकर कार्यकलाप आपण मन को कि खुशी आनीदेव। बृहस्पति बीज मंत्र जप करंतु। छोट छोट पिला हलदिया रंगर मीठा जातीय द्रव्य एवं हलदिया रंगर किसी खेलना हो वस्त्र हो आपण प्रदान करंतु। मकर राशि व्यक्ति मानक दूर स्थान को यात्रा करी सम्मान लाभ, प्रति क्षेत्र में निजर प्रभाव विस्तार करी सफलता हासिल करेंगे, अन्य मानक द्वारा प्रशंसित हेबे, पारिवारिक सुख वृद्धि पाइब, शिक्षा गवेषणा आदि सफलता हासिल करेंगे।
ଶନିଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ଉଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧନବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ ପରିମାଣର ବ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ରହିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବିସ୍ତାରିତ ହେବ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ, ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଖେଳାଖେଳି ଏସବୁ ଦିଗରୁ ଆପଣ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଶନିଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବିକଳାଙ୍ଗ, ଅସହାୟ, ଛୋଟା ବା ମାନସିକ ବିକୃତି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଦେବାଳୟରେ ଆପଣ ପେଟ ପୁରା ଭୋଜନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସଙ୍କୁଚିତ ରହୁଛି, ପାଇବାକୁ ଥିବା ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଗୁରୁସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଥିଲା 12 ରାଶିର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ରାଶିଫଳ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିକାର। ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଆଜିର ଭାଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଖାହେବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରାୟୋଜକ ଥିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ